हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी। पाव भाजी एक ऐसी चीज़ है, सब लोग चटकारे ले लेकर खाते हैं, लेकिन घर पर वो मार्केट वाला जो टेस्ट है वो नहीं आ पाता। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पर हमने पहले ही कुछ सब्जियों को धोकर और काट कर रख लिया है। सब्जियाँ कुछ इस प्रकार हैं, सेम की फली हैं और ये है गोभी, आलू, शिमला मिर्च और मटर। आप इसमें और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं और सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके ही कट करें। यहाँ पर हमने कुकर को गैस पर रख दिया है और इसमें हमने डाला है 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल। और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया और इसमें हमने ऐड कर दिया है 1 छोटी चम्मच जीरा। अभी हम इसमें सारी सब्जियों को डाल देंगे। मोस्टली पाव भाजी जब बनाते हैं तो सब्जियों को ऐसे ही बॉईल कर देते हैं, लेकिन ये मेरा स्टाइल है। आप इस तरीके से एक बार पाव भाजी ज़रूर बनाइएगा, यकीन मानिए आपकी भाजी के स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये मेरा सीक्रेट है और ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अभी हमने इसमें मटर को भी ऐड कर दिया है और अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। और अभी हमने इसमें ऐड किया है 1 छोटी चम्मच भाजी मसाला और ये इसका दूसरा सीक्रेट है। आप इस तरह से भाजी मसाला के साथ सब्जियों को बॉईल करते हैं तो आपकी भाजी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम इसे 2 मिनट तक करीब ऐसे ही भून लेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। अभी हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, गैस को मीडियम रखेंगे और 1 से 2 सीटी में ही हमारी जो सब्जियाँ हैं अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। उससे ज़्यादा सीटी नहीं आने दें, नहीं तो सब्जियाँ बहुत ज़्यादा गल जाएंगी। जब तक हमारी सब्जियाँ बॉयल होती हैं तब तक हम भाजी के तड़के की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट किया है, 2 प्याज, थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा अदरक। तो अभी हम टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। तो पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इधर हमारी जो सब्जियां हैं वो भी अच्छे से बॉयल हो गई हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा पानी भी नहीं है, तो आप उबालते समय इसमें पानी का कम ही इस्तेमाल करें। तो ये हमने लिया है 1 पोटैटो मैशर, उससे हम सब्जियों को अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से मैश हो जाता है। तो सब्जी हमारी अच्छे से मैश हो गई हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई को गैस पे रखा है और इसमें मैंने डाला है 4 बड़े चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और गैस को मीडियम रखेंगे। हाई फ्लेम पर हमें कभी भी ऑयल गर्म नहीं करना चाहिए। और अभी मैंने इसमें ऐड किया है 1 छोटी चम्मच जीरा, कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ अदरक और 1 हरी मिर्ची। आप इसमें चाहें तो ज़्यादा भी हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 ही हरी मिर्ची डाली है। और ये कटा हुआ प्याज। सारी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे और इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें अदरक और लहसुन काट कर भी डाला है, लेकिन इससे थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून ऐड की है हल्दी और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे जो भाजी का कलर है बहुत ही बेहतरीन आएगा। और ये हमने ऐड कर दिया है इसमें टमाटर का पेस्ट, इसे हम अब अच्छी तरह से भून लेंगे। और आप इसमें कलर के लिए चुकंदर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सब्जियों को उबालते समय उसमें आप 1 चुकंदर डाल लें छोटा सा, उससे भी भाजी का कलर बहुत ही मस्त आता है। और अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं भाजी मसाला। तो इसमें हमने 2 छोटी चम्मच भाजी मसाला डाला है क्योंकि हमने 1 चम्मच बॉयल करते समय भी डाला था, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और आप नमक का भी ध्यान रखें क्योंकि हमने बॉयल करते समय भी नमक डाला था, तो नमक का भी आपको ध्यान रखना है। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और आप देख सकते हैं ऑयल भी इसका रिलीज होने लगा है। और अभी हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 कप पानी। 1 कप हमने बॉयल करते समय डाला था और 1 कप हमने अभी डाला है। अभी हमने इसमें डाल दिया है 1 छोटी चम्मच नमक। तो अभी हम इसे थोड़ा सा पका लेते हैं 3 से 4 मिनट तक, ताकि सारे जो मसालों का फ्लेवर है आपस में अच्छे से मिल जाए।
ओके, इसको हमने लो ही रखा था और 4 मिनट तक हमने इसे कुक किया है। अगर हम इस तरह से मसालों को पानी के साथ पका लेते हैं तो भाजी का जो टेस्ट है बिल्कुल मार्केट वाला आता है, तो आप ये चीज़ भी ट्राई कीजिएगा। तो आपको मैंने कितने सारे सीक्रेट भाजी के बताए हैं, इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अभी हमने इसमें मैश की हुई सब्जियों को ऐड कर दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला देंगे। गैस को हमने लो ही रखा है, धीरे धीरे हम इसे मिलाएंगे और इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं भाजी का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। इस तरह से आप भाजी ज़रूर बनाइएगा, यकीन मानिए रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तो देखने में लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। और अभी हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे कटा हुआ, इससे इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगी और टेस्ट तो इसका है ही ज़बरदस्त। और ये हमने इसमें डाला है थोड़ा सा बटर, ये घर का ही बटर है, आप चाहें तो अमूल बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। तो भाजी हमारी तैयार हो चुकी है और अभी हम तैयार करते हैं पाव। यहाँ पर हमने थोड़ा सा बटर डाला है तवे पर। और गैस को आप ध्यान रहे मीडियम ही रखें, पाव बहुत जल्दी जल जाता है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे हरा धनिया और इसके ऊपर रखेंगे हम पाव। इस तरह से हम पाव को सेकते हैं तो पाव जो है देखने में बहुत सुंदर लगता है। खाने में तो सेम ही लगेगा, अगर आप बिना धनिए के भी बनाते हैं तो वैसा ही लगेगा जैसा धनिए के साथ लगेगा। तो इस तरह से हम अच्छा खासा बटर डालेंगे, उसके साथ हम पाव को अच्छे से सेक लेंगे। तो आप इस तरह से बच्चों के लिए पाव भाजी घर पर ही बना सकते हैं, आपको मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे। तो पाव भी हमारे अच्छे से सिक गए हैं और अभी हम इसे इस पे से हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं लग रहे हैं ना कितने सुंदर। तो पाव भाजी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको ये मेरे पाव भाजी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय, टेक केयर।